मध्य प्रदेश में अब गर्मी दिन में ज्यादा सताने लगी है। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालात ये हैं कि तेज गर्मी से प्रदेश के कई हिस्सों में रेगिस्तान की तरह मृग मरीचिका का एहसास हो रहा है। भोपाल के अटल पथ पर लोगों को सड़क पर पानी भरे होने जैसा भ्रम हो रहा है, जबकि शहर में दिन का पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 18 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि 7 अप्रैल तक इसी तरह से गर्मी बनी रहेगी। दिन में गर्म हवाएं चलने से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, वहीं 3 दिन बाद थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। अप्रैल के अंत तक प्रदेश भर में पारा 44 के पार पहुंच सकता है। मार्च में ही पारा 42 डिग्री को पार कर चुका था। आने वाले समय में और गर्मी बढ़ेगी। सागर, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, भोपाल, राजगढ़, धार, खंडवा, खारगू, नर्मदापुरम, रतलाम, ग्वालियर और गुना तथा दतिया जैसे जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रविवार रात में आधे मध्य प्रदेश में पारा लुढ़का है, जबकि कुछ इलाकों में तापमान बढ़ा हुआ है। छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी, भोपाल, दतिया, गुना, ग्वालियर, खंडवा और खारगोन में पारा 1 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया। और इसी तरह से रायसेन, पचमढ़ी, इंदौर, होशंगाबाद, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, टीकमगढ़ और रीवा का तापमान चढ़ा है। पीके साहा ने बताया कि सूखी गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ज्यादा गर्मी हो रही है और इसी कारण प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लू भी चल रही है। 3 दिन बाद हीट वेव कुछ कमजोर हो जाएगी, जिससे दिन और रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है, जिससे लू से राहत मिल सकती है। वहीं ला नीना लू के सक्रिय होने पर और IOD के प्रभावहीन रहने पर अभी नया सिस्टम नहीं बन रहा है। समुद्र की सतह गर्म होने के कारण गर्मी बढ़ रही है। यह स्थिति 7 अप्रैल तक इसी तरह बनी रहेगी। तेज धूप में सड़क पर पानी पड़े होने का भ्रम होना मृग मरीचिका है। ये सड़कों और सतहों पर तब होती है जब तापमान बढ़ने पर गर्म हवा की लेयर बनने लगती है। सतह के पास गर्म हवाओं की परत होती है, ये विरल होती है, जबकि सतह से कुछ ऊंचाई पर ठंडी हवाएं भारी होती हैं। इसी से सूर्य का प्रकाश विभिन्न कोणों पर सघन माध्यम से विरल की ओर जाता है। ये अविलंब से हटता है, इससे विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, जिससे कुछ लोगों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है।